नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिसमें जम्मू स्मार्ट सिटी बनने में 4 चांद लग जाएं। वहीं हम आपको बता दें कि यहां पर ट्रैफिक को लेकर अक्सर जो है हमें ये देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस जो लगातार धूप में, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे किसी तरह का भी मौसम हो, ये बाहर आपको इस तरह से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत अब ट्रैफिक जो है बूथ बनाए गए हैं और आपको हम दिखाएं यहाँ पर ये जो बूथ हैं, इन बूथ में ये ट्रैफिक जो कर्मचारी हैं ये इस बूथ में बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। और आप इस समय जो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस के लिए बूथ बनाए गए हैं और जम्मू के कई जगहों पर ऐसे बूथ को इंस्टॉल किया गया है। मकसद यही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अगर बीच में कहीं रेस्ट लेना चाहें तो रेस्ट भी ले सकते हैं। आपको अंदर के हम दृश्य दिखाएंगे, ये ट्रैफिक बूथ के अंदर के दृश्य की, ये किस तरह का बूथ बनाया गया है जहां पर बैठकर ये रेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको दिखा दें तो ये बूथ जो है इस समय ऊपर सीलिंग फैन लगाया गया है और वहीं रेस्ट करने के लिए यहां पर इनके लिए ये इस तरह के वो जो है कोचेस लगाए गए हैं, यहां पर ये बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। गर्मी जिस तरह से अब हल्की हल्की बढ़नी शुरू हुई है तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है, चार्जिंग पॉइंट्स भी रखे गए हैं, यहाँ पर अपने चार्जिंग पॉइंट्स भी है जो ये फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक स्मार्ट इनिशिएटिव लिया गया है स्मार्ट सिटी के तहत, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लिए बूथ बनाए गए हैं जिसमें जो है ये आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं और अपने अगर फ़ोन वगैरह को चार्ज करना चाहें तो फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुस्तैद रहती है, जब सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक को कंट्रोल करना इनके हाथ में होता है और चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बरसात का मौसम है, इन्हें 24/7 इसी तरह से काम करना पड़ता है। वहीं सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव के मद्देनज़र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट बूथ बनाए गए हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है इस बूथ में रेस्ट कर सकती है, खाना खा सकते हैं, यहाँ पर लंच टाइम यहाँ पर आराम से बैठ के अंदर खाना खा सकते हैं, बारिश हो, धूप हो, उससे बचा जा सकता है। यहाँ पर इनको तमाम वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो एक मुहैया होनी चाहिए स्मार्ट सिटी के तहत। इस तरह के ट्रैफिक बूथ आप जम्मू के कई जगहों पर देखेंगे कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लिए ये बूथ बनाना बहुत ही अनिवार्य था। और जिस तरह से मौसम और काफ़ी इस समय अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ रही है तो इस बढ़ती गर्मी के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और इनिशिएटिव में आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जहां नए नए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जम्मू को स्मार्ट बनाने में, चाहे अगर ब्रिजेस की बात हो, गो ग्रीन की बात हो, सिटी को ग्रीन करने की बात हो, वॉकवे की बात हो या फ्लेक्सिस की बात हो, तो हर तरह का इनिशिएटिव जो लाया जा रहा है, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी जो है जम्मू बनकर तैयार हो और लोगों को इसका भरपूर फायदा हो। वहीं उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अब आज हम आए हैं इस स्मार्ट बूथ की तरफ, जो ट्रैफिक पुलिस के लिए स्मार्ट बूथ बनाया गया है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत, जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है रेस्ट भी कर सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स और हर तरह से वो एक सुविधा मुहैया करवाई गई है जो इन्हें मिलनी चाहिए इस तपती गर्मी में। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।